हेलो एंड वेलकम दोस्त, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं वाईफाई दो चैनल। जी हां, रेडमी के तरफ से रेडमी 9 जो कि अभी कुछ दिनों से सुर्खियों में है, जो कि रेडमी 9 कुछ ही दिनों के बाद इंडिया में लॉन्च होने वाला, जो कि बहुत ही बेहतरीन स्मार्ट होने वाला है। रेडमी का रेडमी 9 जो कि फ्लेक्सिब लेवल का फोन नहीं होगा, बस बजट लेवल का फोन होगा, ज्यादा कोई इसका कीमत नहीं होगा। तो अभी ऑफिशियल कोई लॉन्च डेट नहीं आया है, लेकिन इसका ऑफिशियल लीक आ चुका है। तो अभी मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिकेशन, पूरी मैं आपको जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर Redmi 9 के बारे में स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो पहले शुरू करता हूं डिस्प्ले से। जी हाँ, जो कि आपको इसमें 6.53 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले दिया जाएगा, जो कि 90 हर्ट्ज पे काम करेगा। जो कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे डिस्प्ले बहुत ही शानदार, जो कि आपको IPS डिस्प्ले मिल रहा है। जी हाँ, जो कि यह बहुत अच्छी बात है। और इसका मैं अगर प्रोसेसर की बात करूँ तो फोन का अहम हिस्सा होता है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर का बात करूँ तो प्रोसेसर आपको दिया जाएगा इसमें हीलियो G18। जी हाँ, जो कि यह बेहद ही पावरफुल प्रोसेसर है इस रेंज में। जो रेंज अभी मैं बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन मतलब प्रोसेसर दिया गया है हीलियो G18। और अगर मैं अब इसका मैं कैमरा की बात करूं तो आपको बस ज्यादा कैमरा तो देखने नहीं मिलेगा, आपको रियर कैमरा दो कैमरा दिखेगा और आपको फ्रंट में आपको सेल्फी के लिए बस एक कैमरा दिया जाएगा। तो मैं अगर रियर कैमरा की बात करूं तो आपको प्राइमरी सेंसर 12 मेगापिक्सल का दिया जाएगा और वहीं पर आपको सेकेंडरी कैमरा यानी 5 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा दिया जाएगा। जो कि यहाँ पे कैमरा की बात करूँ तो बेहद ही अच्छा है इस रेंज में, जो रेंज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे इस वीडियो में। और आपको सेल्फी के लिए आपको वाटर ड्रॉप नॉच, जो कि आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं पे मैं आपसे बात करूँ इसका बैटरी बैकअप का, तो आपको बैटरी बैकअप का कोई टेंशन, कोई चिंता की बात तो है ही नहीं, क्योंकि आपको इसमें बैटरी दिया जा रहा है 5000 mAh का, जो कि बहुत अच्छा बैटरी बैकअप आपको मिलने वाला है 5000 mAh। जी हाँ, आप समझ सकते हैं एक तरह से ये आपका पावर बैंक बन सकता है। वहीं पे मैं अगर बात करूँ चार्जिंग का, तो आपको इसमें 10 वाट का चार्जिंग दिया जा रहा है। जी हाँ, इसमें कोई आपको सुपर फास्ट चार्जिंग नहीं दिया जाएगा, लेकिन 10 वाट का चार्जिंग आपको दिया जा रहा है। और इसकी मैं मतलब रैम और स्टोरेज की बात करूं तो आपको इसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलेगा। पहला वेरिएंट होगा 3 GB रैम और 32 GB का स्टोरेज, जिसका प्राइस आपको पड़ने वाला है 999 रुपीज। और यहां पे इसका आ जाता है दूसरा वेरिएंट, जो कि आपको दिखने वाला है 4 GB रैम, 64 GB का स्टोरेज, जिसका प्राइस आपको पड़ने वाला है 10,999 रुपीज, यानी आपको 3 32 का पड़ेगा 10,000 रुपये और 4 64 का पड़ेगा आपको 11,000 रुपये। जो कि इस रेंज में यह फ़ोन बेहद ही पावरफुल फ़ोन होने वाला, जो कि इसमें आपको प्रोसेसर मिल रहा है हीलियो G80। तो इसका अभी कोई मतलब लॉन्च नोटिफिकेशन नहीं आया है, लॉन्च अपडेट, लॉन्च डेट जैसे घोषित होगा हम आपके लिए अपने चैनल में आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा कर रखना होगा, क्योंकि स्मार्टफोन से जुड़े हर वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में, और साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो लगा तो कैसा लगा। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।